बीके दत्ता। आज YouTube चैनल जो है मेरे रेलवे मैकेनिकल इन्फो में इन रूट ट्रबल शूटिंग LHB के लिए एक ब्रेक बैंडिंग के ऊपर दिए है, और कुछ होता है प्रेशर ट्रबल जो कि मेन BP और AP पाइप जहां फट जाता है, और उस दौरान दो किस्म के बेलो होते हैं, एक नेस्टल कॉइल सिस्टम के होता है और एक एयर बेलो के लिए होता है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि ICF कभी भी, ये जो ICF है ये ICF कोच कभी भी सिंगल पाइप चल सकता है, लेकिन मेरा जो LHB कोच है सिंगल पाइप वर्किंग कभी भी नहीं हो सकता है। इनके जो बाईपास होता है एक्सटेंशन पाइप, अगर मेन पाइप कहीं फटा होंगे उस लिए, और वो भी अगर एयर बेलो होते हैं तो उस दौरान इसमें 60 KMPH गिर जाता है। तो 60 KMPH जो है इनको अवॉइड करने के लिए मुझे कुछ रेमेडी मैं बोलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने बताएंगे कि एक LHB कोच जब इस बोस्टर सिस्टम में स्प्रिंग कॉयल होते हैं और उस दौरान अगर उसमें कॉयल सिस्टम होता है, रेमेडी दूसरा किस्म के होता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, वीडियो को कुछ जानकारी लेने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सकते हैं मैंने ट्रबल शूटिंग इन रूट के लिए इस वीडियो बना रहा है जो कि LHB कोच के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इधर AP पाइप है और BP पाइप है, पकड़ लीजिए ये पाइप इधर से क्रैक हो गया है। AP और BP दोनों के रेमेडी, अगर AP होता है तो सिंगल पाइप नहीं होंगे, BP होने से आप एक्सटेंशन पाइप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आराम से चल जाएंगे, एक कोच में ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन उस दौरान AP होते हैं तो आपको ड्रेन पाइप को देखना है और इसमें एक्सटेंशन पाइप लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए आपको चलने पड़ेगा। उस गाड़ी आपका एयर बेलो सिस्टम है या कॉयल नेस्ट कॉयल सिस्टम है। अगर एयर बेलो सिस्टम होता है, आप एक्सटेंशन पाइप लगाते हैं बाईपास में, तो गाड़ी पूरा आपको पूरा ट्रेन 60 KMPH हो जाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ तरीका सोचना है। तो इस दौरान आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो सब पाइप कुछ होता है उनके लिए जो प्रॉब्लम होता है उसमें कुछ आपको रेमेडी हो सकता है, कहीं 60 KMPH अवॉइड होगा, कहीं 60 KMPH नहीं होगा, अगर कहीं होगा। मैंने पहले ही बोला है कि BP पाइप अगर कुछ ख़राब होता है मेन पाइप, तो आप एक्सटेंशन पाइप लगा सकते हैं, उसमें आपको बेलो कुछ भी रहने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी आपके बिना ब्रेक पाइप में ब्रेक सिस्टम में चल जाएंगे, बाकी सब गाड़ी आपको एक्सटेंशन पाइप लगाने से ब्रेकिंग होंगे। लेकिन सवाल है कि AP पाइप जब कुछ होता है उनके कहां कहां क्या होता है, मैंने दिखाएंगे कहां 60 KMPH होंगे, कहां नहीं होंगे। पकड़ लीजिए AP पाइप, मेन पाइप ब्रोकन हो गया इसमें, और उस कॉयल सिस्टम के ये बेलो जो है इधर नहीं है, उसमें नेस्टल कॉयल सिस्टम है। तो आप डायरेक्टली आप एक एक्सटेंशन पाइप लगा सकते हैं, और बाकी जो भी बेलो है इसकी में, क्योंकि इसमें बेलो नहीं है, इसमें कॉइल सिस्टम है, अब एक्सटेंशन पाइप AP फेल्योर होने से अब दूसरा गाड़ी तक भेज सकते हैं। लेकिन बेलो रहने से AP अगर फेल्योर होता है, कौन कौन जगह में फेल्योर होता है उनके ऊपर में मैं वीडियो बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये मेन पाइप 28x25 में रिड्यूसर होकर आपको ये एयर बेलो में गया है, और ये BP पाइप है मेन पाइप, ये 28 से लेकर आपको रन हुआ इस तरफ से उस तरफ। BP पाइप कहीं भी कुछ हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉब्लम जो बोल रहा है एयर बेलो और सस्पेंशन में स्प्रिंग सिस्टम होने से जो प्रॉब्लम होता है, कहाँ मेरे को मुझे 60 KMPH बचाना से सकते हैं, तो उसी के लेकर ये रेमेडी मैंने कर रहे हैं। AP पाइप जो उधर से आए हैं, बीच में अगर पाइप ब्रोकन हो गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको एयर बेलो होने दीजिए और स्प्रिंग वाला होने दीजिए। स्प्रिंग वाला होने से आप डायरेक्ट एक्सटेंशन पाइप लगाने ही पड़ेंगे और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एयर बेलो होने से आपको अगर बीच में कहीं पाइप फट गया होगा, क्रैक हो गया होगा, क्योंकि ब्रांच में नहीं जाने से मेन पाइप, तब तक इनको आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सटेंशन पाइप लगाएंगे, लेकिन एयर बेलो सिस्टम से 60 KMPH हो जाएंगे। अभी आते हैं मैं, ये देखिए DB पैनल बोर्ड है, ये AP पाइप इधर से इन हुआ है, ये पाइप इधर से जो जा रहा है, ये
डीवी पैनल बोर्ड में देख सकता है। इस बीच में ये पाइप कहीं भी अगर ये पाइप कहीं भी अगर क्रैक हुआ, आप अगर एक 28 mm के कैप अगर होते हैं आपके पास, तो आप इसके बीच में अगर कुछ क्रैक हुआ इधर से जाने के बाद, तो 28 mm का कैप अगर इधर आप लगा सकते हैं, तो डीवी पैनल बोर्ड में ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होंगे, लेकिन गाड़ी 60 कैम्पेज में बच जाएंगे, क्योंकि ये एयर बेलो सिस्टम के है। मैंने पहले ही बोला है अगर एयर बेलो सिस्टम होता है तो प्रॉब्लम है, उसीलिए आपका ये रेमेडी मैंने करा रहा है। और स्प्रिंग टाइप का होने से मैंने पहले ही बोला है, कुछ भी होने से आप एक्सटेंशन पाइप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बाकी सब गाड़ी में हवा जाएंगे, लेकिन इस गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप इधर को ब्रेक पावर भी लेस कर देंगे और इस गाड़ी में कुछ भी दरकार नहीं है। लेकिन देखिए ये सामने ऑक्सिलरी रिजर्वर दिखता है एयर बेलो के लिए, तो आप इधर अरेस्ट कर दिया है तो मेरा बीपी 10 पाइप एपी 10 पाइप पूरा चले जा रहे हैं, दूसरे गाड़ी में सप्लाई हो जा रहा है। लेकिन इसमें मेरा एक क्या चीज बच रहा है कि मेरा एयर बेलो में हवा जा रहा है। देखिए उधर मैंने लीक अरेस्ट किया है और ये मेरा एयर बेलो में हवा इधर से जा रहा है, तो मेरा 60 कैम्पेज अवॉइड हो गया, मेरा गाड़ी 60 कैम्पेज परमिशेबल स्पीड में ही जाएंगे। अभी देखिए इधर से ये पाइप आया है, इधर टी जॉइंट है और ये बेलो में जा रहा है। इसके बाद में देखिए आइसोलेटिंग पॉक है, इसके अंदर में अगर पाइप कुछ खराब होता है तो उस दौरान आप टाइम लॉस को बचाने के लिए अगर आपका इधर 25 mm के एक तो कैप होंगे, तो इस पाइप को खोल के इधर लगा देने से आपको टाइम आपको वेस्ट नहीं होंगे। एक्सटेंशन पाइप लगाने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाएंगे, तो आपका क्या हो लेकिन गाड़ी 60 कैम्पेज में जाएंगे। इस पोर्शन में कुछ होता है तो गाड़ी में चारों बेलों में हवा नहीं रहेंगे, उसीलिए 60 कैम्पेज। अभी आइसोलेटिंग कॉक्स है, इनपुट हो रहा है डाट कलेक्टर नॉन रिटर्न वाल्व, इसके बाद में टंकी, और देखिए वो सामने में जो पाइप है उनके आउटपुट इस पाइप में आपको कनेक्ट हुआ है, इस पॉइंट में कनेक्ट हुए हैं। इनके बीच में जो भी फेल्योर होंगे तभी आपको आइसोलेटिंग कॉक, देखिए वो सामने में जो आइसोलेटिंग कॉक उसको बंद होंगे, मतलब इसके मेन जो सर्विस है वो सप्लाई बंद हो जाएंगे, फिर भी 60 कैम्पियर आपका इधर से इनपुट हो गया, इधर से इनपुट हो गया, इसमें आ गया। इसके बाद में देखिए इस बोगी के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होंगे और ये पाइप इधर चले गया, देखिए ये पाइप उस बोगी में घुसने का आगे एक आइसोलेटिंग कॉक होंगे, तो जो बोगी के अंदर में इसके बाद में फेल्योर होंगे, तो देखिए इसके बाद में जब लाइन इन हो गया तो एक आइसोलेटिंग कॉक फिर से इधर बैठा हुआ है, ये बेलो सप्लाई में है, ये दोनों बेलो सप्लाई इन दोनों तरफ गया है, और ये आइसोलेटिंग कॉक अगर पार होने के बाद में कुछ होंगे तो ये आइसोलेटिंग कॉक आपको ऑफ होंगे, तभी भी गाड़ी 60 कैम्पेज में जाएंगे। लेकिन एक ट्रॉली आपका एयर बेलो काम नहीं करेंगे, दूसरा ट्रॉली एयर बेलो काम करेंगे। कभी कभी ये ड्रेन कॉक इधर से थ्रेड से निकल जाते हैं तो ड्रेन कॉक लगाने नहीं सकते हैं, तो मतलब तभी वही आइसोलेटिंग कॉक जो दिख रहा है ये सामने में, वो आइसोलेटिंग कॉक ऑफ होंगे लेकिन 60 kmph। मैंने जो पाइप उधर से घुसाया बोगी में आने के लिए ये पाइप वही है, बीच में टी जॉइंट है, मैं दिखाएंगे, लेकिन देख लीजिए लेवलिंग वाल्व में आया है और लेवलिंग वाल्व आउटपुट हुआ है, एक डुप्लेक्स चेक वाल्व गया है और एक पोर्ट देखिए बोस्टर डूम में आया है 60 एडिशनल, हर बेलो में एक 60 लीटर का एक एडिशनल आपको रिजर्वर रहता है और बेलो में हवा पहुंच गए है। ये लीवर कभी कभी गिरा रहता है और गिराने से लीक होता है, तो आप लोग स्टिक कभी टूट जाता है, ये लीवर गिर जाता है, तो आप लोग इसको उठा के इस जगह में बांधिए जहाँ लीक अरेस्ट हो जाता है। अभी ये पाइप देखिए ये डुप्लेक्स चेक वाल्व में गया, ये लेवलिंग वाल्व में इनपुट होने के बाद में आउटपुट डुप्लेक्स चेक वाल्व में गया, और डुप्लेक्स चेक वाल्व मैं अंदर से दिखा रहे हैं। जो पाइप आपके उधर से बेलो में सप्लाई आ रहे थे, देखिए ये पाइप इधर टी जॉइंट हुआ और दोनों बेलो में चले गया, लेवलिंग वाल्व तरफ दोनों चले गया। सामने देखिए मैंने डुप्लेक्स चेक वाल्व बोले थे, उसमें आपको लाइन दोनों बेलो में चले गया। अभी इधर से देखिए
उस पोर्शन से ये जो पोर्शन है देख सकते हैं, इधर डुप्लेक्स चेक वाल्व से एक फेसियल पाइप आए हैं और इसमें इधर देखिए फेरुल जॉइंट है, ये फेरुल जॉइंट का भी खुलता है, इधर इधर से फीबा यूनिट, ये लेफ्ट बेलो का हवा फीबा यूनिट में इन हो रहा है, लेकिन देखिए बीच में एक मेटल पाइप है, इसके बाद में देखिए एक फिर फ्लेक्सिबल पाइप फेरुल लगा हुआ और ये आपको ऊपर में चले गया, फीबा यूनिट में जाकर घुसेंगे। तो मतलब डुप्लेक्स चेक वाल्व से जो पाइप निकला है ये फीबा यूनिट का शुरू होते हैं। फीबा यूनिट में देखिए एक राइट बेलो का जो ये पाइप है, ये पाइप डायरेक्ट उठ के आपको फीबा यूनिट में चले गया। अब इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि वर्तमान इंडियन रेलवे में पूरा इंडिया में एक फेल्योर हो रहा है फीबा सिस्टम के लिए, फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन ये ज्वाइंट पाइप है, इनमें से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें कुछ देखिए ये क्रॉस बीम का अंदर में ये फिटेड है ये मेटल पाइप और फेल्योर होते हैं इधर, ये फेरुल देखिए फेरुल खुल जाता है किस लिए, ये देखिए ये मोड़ माड़ के है और ये ऑसिलेशन होता है वाइब्रेशन होता है और दोनों में फेरुल लगा है, ये पोर्ट खुल जाते हैं नहीं तो ये पोर्ट खुल जाता है। तो RDSO के पास में मैं एक संदेश भेजने मांगते हैं कि इस सिस्टम को थोड़ा से रेक्टिफाई किया जाए, कुछ उपाय निकालिए, क्योंकि पूरा इंडिया का जितना भी सेक्शन है डिवीजन है ये फेल्योर हो रहा है, गाड़ी इसी में इसी के चलते हो रहा है, पाइप इधर खोल रहा है और इसमें से ही प्रॉब्लम हो रहा है। सेक्शन में गाड़ी खराब होने से इस पोर्शन में पकड़ लीजिए खुल गया, तो आप एक काम करिएगा उस पोर्शन में थ्रेडेड जॉइंट है जो कि डुप्लेक्स चेक वाल्व से आया, ये देखिए उधर थ्रेडेड जॉइंट है, उसको खोल दीजिए और उसमें एक कैप मिलेंगे 25 mm के, उस कैप को उधर लगा दीजिए, मेरा बेलो का हवा इंटेक्ट रहेंगे और कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। अगर इस पोर्शन में भी खुलता है, देखिए इस पोर्शन में भी फेरुल खुलता है, तो मैंने बोला है कि उधर ही आप लगा देंगे एक ही बात है, क्योंकि सप्लाई उधर से आ रहा है, उस पोर्शन से सप्लाई डुप्लेक्स चेक वाल्व का उधर इनर डाया में जो है थ्रेडेड आपको 25 mm के वो मेटल में है, उनको खोल दीजिए, क्योंकि फेरुल अब अगर लगा सकते तो अच्छे ही है, अगर नहीं लगा सकते हैं तो आपको इधर खोलने से डबल खोलने पड़ेंगे, ये पार्ट फिर से आपको खोलने पड़ेंगे, ये पार्ट आपको गिर जाएंगे, ये पार्ट जो दिख रहा है ये सामने वाला पार्ट गिर जाएंगे, ये पार्ट आपको उसके बाद वाला जो है ये रह जाएंगे और ये रह जाएंगे, आपको फिर दोबारा ये वाला खोलने पड़ेंगे, तो इसके बाद में इसके अंदर में आपको आउटर डाया वाला एक डमी मिलेंगे वो इधर फिट होंगे, लेकिन ये खोलना बहुत तकलीफ है, अगर फेरुल लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। इनमें अगर कोई डमी करेंगे इस पोर्शन में डुप्लेक्स चेक वाल्व के बाद में जो फीबा यूनिट में जा रहा है, तो इसमें से कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, क्योंकि डुप्लेक्स चेक वाल्व का जो हवा इसमें आया है इधर से फीबा यूनिट शुरू होता है, तो इनमें से कोई भी फेल्योर होगा आप डमी लगा दीजिए, अगर फेरुल लगा सकते हैं तो इंटेक्ट हो जाएंगे, तो कोई KMPH होंगे नहीं और फीबा यूनिट मेरा एक्टिव भी रहेंगे, अगर आप डमी किया तो फीबा यूनिट को डीएक्टिव कर देंगे, वो दिखा रहा है, चलिए अब देख सकते हैं फीबा यूनिट में दो पाइप इधर इन हुआ है, एक लेट बेलो जो कि नीचे से आ रहा है डायरेक्ट नीचे से, वो लाल वाला देखिए, एक इस सामने में से आ रहा है और ये देखिए घूम के ऊपर लग गया है, और एक देखिए उधर से आ रहा है, मैंने जहाँ उधर शुरू किया थे ये फीबा यूनिट में सेकंड फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ और देखिए ये फीबा यूनिट में जा रहे हैं, ये फीबा यूनिट के बोर्ड है, इनमें चार कनेक्शन लगा हुआ है, एक देखिए फीबा यूनिट में एक बीपी मेन पाइप से एक टी ज्वाइंट होने के बाद एक आइसोलेटिंग कॉक देने के बाद में आप देख सकता है, ये देखिए फीबा यूनिट में पीछे में लगा हुआ, इधर एक लेफ्ट बेलो का हवा है और एक राइट बेलो का हवा आया है, और एक देखिए पतला वाला जो पाइप है इंडिकेटर के लिए है, ये इंडिकेटर में गया है दोनों तरफ, पकड़ लीजिए, गाड़ी चल रहा था गाड़ी रुक गया है और आप गाड़ी में चेक करने आए, इधर से रेड हो गया और इधर से हिसिंग साउंड निकल रहा, मतलब इस बोगी आपके ख़राब हुए हैं। DB पैनल बोर्ड में
जब देख रहे हैं दो ग्रीन है, वो रेड हो जाएंगे, पूरा सारा गाड़ी ब्रेक लग जाएंगे। पहला आपका काम है ये जो आइसोलेटिंग कॉक है इसको ऑफ करना, क्योंकि इधर से ये बीपी पाइप का हवा निकल रहा है करके, उसी लिए ब्रेक एप्लीकेशन है। पहला काम है आपको इसको बंद करना, बंद करने से हिसिंग साउंड बंद हो जाएगा और पूरा बोगी में आपको बीपी रिचार्ज हो जाएंगे, तो पूरा बोगी का आपको ब्रेक छूट जाएंगे, लेकिन इंडिकेटर ये रेड रह जाएंगे, मैं बाद में बोलेंगे। अभी आपको इस किस लिए एक्टिव हुआ था इसको जांच बिन करना पड़ेगा। तो आपको आए हैं देखे कि बेलो पंचर हो गया, तो आपको क्या करना है, 60 km/h गाड़ी जाएंगे, ये बोगी जो सप्लाई है इसको आइसोलेट कर देंगे और ये आइसोलेट आगे से हुआ था ये आइसोलेटेड रहेंगे। इस हैंडल को मोड़ के वर्टिकली इस तरह कर देने से आइसोलेट होंगे। अभी ऑन है, गाड़ी 60 km/h में जाएंगे। अभी पकड़ लीजिए इसके अंदर में ये जो फ्लेक्सिबल पाइप मैंने दिखाया है, ये जो फ्लेक्सिबल पाइप दिखाया थे और डमी करने के लिए जो बोल रहे थे, पकड़ लीजिए इधर खोला चाहे उधर खोला, आप जो डमी किए हैं इसके बाद में आप क्या करेंगे, पाइप खुल के नीचे गिरा हुआ, तो आपको मैंने बोला है कि डुप्लेक्स चेक वाल्व में जो डमी होंगे उधर जाके लगा दीजिए, और लगाने का आगे आपको क्या करना था, आपका पाइप उधर खुला हुआ था आप देख के आया, अभी रेमेडी करने के लिए इधर आएंगे, ये तो आगे से बंद था ये पोर्सन, ये तो आगे से बीपी पाइप जो आइसोलेट था 5 यूनिट, आप क्या करेंगे इसको आइसोलेट के सोर्स बंद करिए, अभी काम करिए उधर, क्योंकि लाइन चालू रहने से आप उधर काम करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, हवा जाके आपको कुछ एक्सीडेंट कर सकता। इधर आप पाइप लगा देंगे तो बोगी आइसोलेटिंग को खोल देंगे, अगर डमी करेंगे तो बोगी आइसोलेटिंग बाद में खोलेंगे, डमी करने से क्या है बोगी आइसोलेटिंग बाद में खोलेंगे। आप उधर अंदर में डमी किया है, डमी प्लग लगाया है, इसको आके फिर से खोल दीजिए, गाड़ी में हवा चले जाएगा और उस दौरान एक बेलो में हवा रहेगा एक बेलो में नहीं रहेगा, इसलिए इसको कट करके रखेंगे फीवा और कोई काम नहीं करेंगे उस समय। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये प्रेशर टेबल में कहाँ 60 km/h होंगे कहाँ 60 km/h नहीं लगेंगे इस वीडियो में शायद आप लोगों को समझा पाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।